सूबाई वजीरे बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग जंगलात और मजहबी उमूर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि फरोग नसीम जिस कमेटी में शामिल होंगे पीपल्स पार्टी हरगिज उस कमेटी में शरीक नहीं होगी। मुझे तो ये हैरत हुई है कि चले फरोग नसीम साहब वैसे तो बड़े कानून दान हैं, बड़े माहिर हैं, लेकिन वो जो जहनीत है एम क्यू एम की वो उनका उन्होंने जिक्र किया। वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई कि जो हमेशा ये चाहते हैं कि पहले सूबा बने और फिर ये बाद में इनकी मुल्कों के की भी बात आ गई, जो इनका पुराना कायद चेयरमैन था जिसकी बात आई जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता था। असल अजायम इनके ये हैं, ये तो उस राज ठाकुर इनको ले गया था जिसने बाद में इन्होंने एम क्यू एम पाकिस्तान की बात की, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं। असेंबली में मीडिया कॉर्नर पर बातचीत करते हुए सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फरोग नसीम एम क्यू एम की जहनियत से बात कर रहे हैं और जल्द ही कमेटी की सरबराही से इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। कि ये फरोग नसीम और एम क्यू एम वालों की अपनी इख्तरा है, इनके साथ दूसरी कोई पार्टी साथ नहीं है और मुझे यकीन है कि पी टी आई वाले भी इस पर ज़रूर सोचेंगे और इनसे अपनी लातालकी का इजहार करेंगे और ये जो जिस कमेटी के सरबराह बने हैं इससे इनको फौरी तौर पर अलग कर दिया जाएगा। ये क्यों इतने दिनों से, और जिसमें माफ़ कीजिएगा आप सब लोग भी कुछ हद तक शामिल हैं, ये क्या बात है, ये कचरा, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अरसे से थी ना, ये भी क्या मसला था कि 15-20 दिन में ही आया है कचरा? कचरा आसमान से बरसा है? कचरा कहाँ से आया है? तो ये तो पहले भी यहाँ पर था, ये क्या हुआ कि एक लाइन और फिर उसके ऊपर देखें किस तरह खुलकर अजायम सामने आ गए इनके एमक्यूएम वालों के। अवाम और कराची शहर की बेहतरी के लिए जो भी काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। उस वक्त ये कहा जा सकता है कि मे बी उस वक्त के जो नाजिम थे मुस्तफ़ा भाई या ये दीगर जो लोग थे इनकी नहीं चलती हो, इनके ऊपर एक इस तरह का वो जो कायद इनका बैठा हुआ था जो मुल्क दुश्मन जिसके अजायम बाद में खुलकर सामने आ गए, वो उस वजह से इनकी नहीं चल रही होगी, लेकिन इन्होंने इन जो भी इदारे हैं इनको इस हाल तक पहुंचाने में इनका हाथ है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 4 दिनों में हज़ारों लोगों की भर्तियां और जितने फंड्स थे ये जितने इदारे हैं अगर आप रिकॉर्ड पर देखें 2005 में इन सब के पास बिलियंस रुपए जो थे इनके अकाउंट में थे। आप KDA देख लें, आप बिल्डिंग कंट्रोल देख लें, आप KMC देख लें, क्योंकि रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक की आपको शीट नज़र आ जाएगी। क्या वजह है कि 2009 में जब इनकी निज़ामत ख़त्म हुई तो उसके बाद ये सारे इदारे अरबों रुपए के उस डिफ़ॉल्ट में थे, क्या वजह है ये? तो इसकी वजह खुली पड़ी हुई। फहमिदा मिर्जा ने जो बातें की हैं GDA की क़यादत इनसे पूछगछ करेगी और जवाब तलब करेगी। 149 1 से 100 तक 149 A से Z तक भले लगा लें, उससे कुछ भी नहीं होता, कोई आसमान नहीं गिरता। मैं GDA वालों को सलाम पेश करता हूं, हमारे लाख इख्तलाफात हैं उनके साथ, लेकिन जब वो कोई इस तरह की बेहुदा बात सुनते हैं तो उन्होंने बिल्कुल उसे लातालकी का इजहार किया। पीर साहब पगाड़ों का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इन्हें ये समझाया कि आप इन चीज़ों से हाथ उठाएँ, इस तरह की बातें ना करें,